नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज की डीवीडी से आईएसओ फाइल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आईएसओ फाइल क्या है। ये एक फाइल फॉर्मेट है दोस्तों, जैसे कि पीडीएफ, पीएचडी, एमपी4। आईएसओ फाइल की ज्यादा से ज्यादा यूज बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए होता है। उस पेन ड्राइव से हम अपना कंप्यूटर फॉर्मेट कर सकते हैं। हम विंडोज के साथ साथ किसी भी सॉफ्टवेयर की आईएसओ फाइल बना सकते हैं और उसे कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज की डीवीडी से आईएसओ फाइल कैसे बनाते हैं, और हमारे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईएसओ फाइल से बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करें। बाजू में जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करें। इससे क्या होगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और हम जो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। उस वीडियोस को देखकर आप नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले आपको जिस डीवीडी से आईएसओ फाइल बनानी है वो डीवीडी आपके ड्राइव में इंसर्ट करनी होगी। तो हम इसे इंसर्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे डीवीडी दिख रही है विंडोज़ की, जिसकी प्रॉपर्टी 3.47 GB की है। इससे आपको आईएसओ फाइल बनानी है। इसके लिए आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा और आपके लैपटॉप में उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिंपली प्रोसेस है दोस्तों। तो हम गूगल पेज पर चलते हैं। यहाँ पर आपको टाइप करना है www.imgburn.com से एंटर करते हैं तो आप उस पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। पहली लिंक पर हम क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने ये पेज ओपन होगा। थोड़ा नीचे जाकर वो सॉफ्टवेयर आपको सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो लेटेस्ट वर्शन है इसे हम डाउनलोड करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो प्रोवाइडेड बाय इमेज बर्न, इस पर क्लिक करके आपको वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और आपके लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। बड़ी ही सिंपल सी प्रोसेस है दोस्तों। आप इसे इंस्टॉल कर दीजिए। मैंने ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर दिया है। तो हम डेस्कटॉप पर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे सीडी जैसा आइकॉन है, इमेज बर्न, ये सॉफ्टवेयर आपको ओपन करना है। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो आपके सामने ये पेज शो होगा जहाँ से आपको डीवीडी से आईएसओ फाइल बनानी है, इसलिए आपको ये सेकंड लिंक पे क्लिक करना होगा। क्रिएट इमेज फाइल फ्रॉम डिस्क, इस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो डीवीडी इंसर्ट की थी वो ऑटो सिलेक्ट हो गई। यहाँ पर आपको सिंपली डेस्टिनेशन चूज करना है। हम हमारे डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव करेंगे, इसलिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं और विंडोज 7 के नाम से ये फाइल अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ये आपको टाइप करना पड़ेगा विंडोज 7। तो इसे हम सेव कर लेते हैं और जो नीचे आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं। दोस्तों, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको दोस्तों थोड़ा वेट करना पड़ेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। आपकी आईएसओ फाइल क्रिएट हो गई। आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे विंडोज 7 के नाम से ये आईएसओ फाइल आपको यहाँ पर दिख रही है, जिसकी प्रॉपर्टी है 3.47 GB। और आपने जो डीवीडी
इंसर्ट की थी उसकी भी प्रॉपर्टी 3.47 GB की थी, मतलब उस डीवीडी से आपकी आईएसओ फाइल क्रिएट हो गई और ये बूटेबल पेन ड्राइव के लिए ये आईएसओ फाइल रेडी हो गई दोस्तों। अब आप बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।